सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कितने थ्री डिजिट नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं या 7 के टेबल में आते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम थ्री डिजिट नंबर्स लिख लेंगे। तो थ्री डिजिट नंबर्स हो जाएंगे 100, 101, 102 से 999 तक। 999 लास्ट थ्री डिजिट नंबर होता है, इसके बाद आता है 1000 और 1000 एक फोर डिजिट नंबर होता है और फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर होता है 100। तो ये है थ्री डिजिट नंबर्स, पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ये थ्री डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारी एपी हो जाएंगी, एपी इज 105, 112, 119 टू 994। हमने यहाँ पर वो नंबर्स लिखे हैं जो 7 के टेबल में आते हैं, मतलब ये वो थ्री डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल में आते हैं, जैसे 105, 112, 119 और लास्ट थ्री डिजिट नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो है 994। तो ये हो जाएंगी हमारी एपी। तो हमें बताना है कि कितने थ्री डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है, मींस हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एन टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए एन हो जाएगा 994, ए हो जाएगा 100 क्योंकि ए होता है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है 105, एंड डी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 क्योंकि 7 से डिविजिबल होंगे इसीलिए इसका कॉमन डिफरेंस होगा 7। जैसे 105 और 112 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी है 7, ऐसे ये एपी के सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा 7। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। ए एन है 994 इज इक्वल टू ए है 105, एन हमें फाइंड करना है और डी है 7। तो ये आ जाएगा 994 इज इक्वल टू 105, एन इंटू 7 हो जाएगा 7n और माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा माइनस 7। तो ये आ जाएगा 994 इज इक्वल टू 105 माइनस 7 आ जाएगा 98 प्लस 7n एज इट इज। अब हम 98 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n एज इट इज। तो 994 माइनस 98 हो जाएगा 896। अब हम 7n में से 7 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 896/7। तो 896/7 आ जाएगा 128। तो यहाँ पर n आ जाएगा 128 और इसका मतलब है कि 128 थ्री डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं। तो 10 और 250 के बीच में जो नंबर्स है वो हो जाएंगे 11, 12, 13 टू 249। ये सब नंबर्स 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर आगे दिया है कि ये किन में से कौन से नंबर 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ पर हम 4 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 12 4 के टेबल में आता है, उसके बाद 13 4 के टेबल में नहीं आता है, 16 आता है। तो हमारी एपी हो जाएंगी 12, 16, 20, 24 टू 248। 10 और 250 के बीच में फर्स्ट नंबर जो 4 का मल्टीपल है वो है 12 और लास्ट नंबर जो 4 का मल्टीपल है वो है 248। तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन हो जाएगा 248 इज इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म है 12 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन इंटू 4 हो जाएगा 4n और माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 4। तो 248 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 प्लस 4n एज इट इज। तो 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे
तो ये हो जाएगा 248 - 8 = 4 एंड एज इट इज रहेगा, तो 248 - 8 हो जाएगा 240 = 4 एंड। तो हम 4 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर ये एंड के साथ मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 240/4, तो 240/4 आ जाएगा 60, तो एंड की वैल्यू आ जाएगी 60। तो 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स आते हैं जो 4 के मल्टीपल है, मींस वो नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं। तो हमारा 14 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, तो अब हम इस वीडियो का लास्ट 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 टू इन्फिनिटी एंड 3, 10, 17, और ये भी ऐसे ही इन्फिनाइटली आगे बढ़ते जा रही है। तो हमें इस क्वेश्चन में दो एपी दी गई है और हमें बताना है कौन से नंबर की टर्म इन दोनों भी एपी में इक्वल होंगी। तो एपी 1 है 63, 65, 67 टू इन्फिनिटी और सेकेंड एपी है 3, 10, 17 टू इन्फिनिटी। तो इन दोनों भी एपी के बीच में सेम नंबर पे एक टर्म आएगा जो दोनों भी एपी में इक्वल होगा, और हमने लेट कर लिया है कि फर्स्ट एपी में वो टर्म होगा ए एन और सेकेंड एपी में वो टर्म होगा ए डैश एन। तो ए वन इज इक्वल टू हो जाएगा 63, ए वन मीन्स फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और ए टू मीन्स सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म है 3, तो ए टू आ जाएगा 3। ऐसे ही डी वन आ जाएगा 65 - 63 जो हो जाएगा 2 और D2 आ जाएगा 10 - 3 और ये हो जाएगा 7। तो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस है 2 और सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस है 7। तो हमें कौन सी टर्म चाहिए जब ए एन इक्वल हो ए डैश एन के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए एन इज इक्वल टू ए डैश एन, और फिर हम दोनों भी साइड में एन टर्म वाला फॉर्मूला लिख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन, और दूसरे वाले साइड में आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। फर्स्ट वाले ए में हम ए वन की वैल्यू लिखेंगे और सेकेंड वाले ए में हम ए टू की वैल्यू लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 63 + n - 1 × 2 इज इक्वल टू 3 + n - 1 × 7। दोनों ही जगह पर हमें n फाइंड करना है, तो n माइनस 2 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे और 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 63 - 3 इज इक्वल टू n - 1 × 7 - n - 1 × 2। तो 63 - 3 आ जाएगा 60 इज इक्वल टू n × 7 आ जाएगा 7 माइनस 1 × 7 आ जाएगा -7 माइनस 2 × n आ जाएगा 2n और -1 × -2 आ जाएगा +2। और यहाँ पर -2 इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 के सामने माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन 2 के लिए भी होगा। 2 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का था, तो राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 7n - 2n हो जाएगा 5n और -7 + 2 हो जाएगा -5। -5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा +5, 60 + 5 इज इक्वल टू 5n, तो ये आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n और 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ जाएगा 65/5 इज इक्वल टू n, तो 65/5 आ जाएगा 13 इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई है 13। तो इन दोनों भी APs की जो 13 टर्म होंगी उसकी वैल्यू सेम होंगी। तो हमने 15th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने 13, 14 और 15th क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाकी क्वेश्चंस को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।